फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो है थर्ड प्रोजेक्ट है, जो आपने ड्यूल प्रोजेक्ट देखा उसको हम दो प्रोजेक्ट्स कंसीडर करते हैं, उसी सीरीज़ का ये तीसरा प्रोजेक्ट है। तो इसमें भी हमने टोटल जो है वो चार पैनल हाइपर के लगाए हैं, और हाइपर 150 वाट जो है वो इंटीरियर सिंध में जो है एक बड़ा फेमस ब्रांड है, क्वालिटी के हवाले से रिजल्ट ओरिएंटेड ब्रांड है। और इसके हवाले से जो है मतलब हमने वही इसमें 60 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर दिया है जो कि रेगुलर वाला है। तो इसके एम्पेयर जो हमें ऊपर से आने चाहिए वो तकरीबन आएंगे 32 एम्पेयर, 32 एम्पेयर में वो कंटिन्यूसली आएंगे। बैटरी मैं आपको दिखाता हूँ, सेटअप दिखाता हूँ, लोड दिखाता हूँ। तो ये नॉर्मल 4 से 5 पंखों का सेटअप है जिसके लिए ये सारा प्लान किया है। नॉर्मली 3 पैनल्स इसके लिए सफिशेंट थे, लेकिन सेफ साइड जो है उसको यहाँ पे 4 पैनल्स में वो ऐड किए गए हैं। तो अगर ये आप MPPT पे डिज़ाइन करवाते हैं ये सेम सेटअप, तो उसमें 400 वाट के 2 पैनल और एक MPPT के साथ भी जो है ना ये सेम काम लिया जा सकता है। फ्रेंड्स ये यहाँ पे कंट्रोलर है, उसके साथ ब्रेकर्स हमने दिए हैं सोलर इन और पे और लोड के ऊपर। यहाँ पे नीचे बैटरी आएगी। अब मैं आपको सारे पंखे वगैरह जो सिस्टम अटैच हैं वो दिखाता हूँ। ये 3 कमरे हैं लाइन में, और तीनों कमरों के अंदर जो हैं वो एक में 2 फैंस हैं, बाकी एक एक फ़ैन है और एक बरामदे में। तो टोटल 5 पंखे हैं। और इस प्रोजेक्ट में खुर्शीद के फ़ैन जो हैं वो यूज़ हुए हैं, जो कि तकरीबन 5,500 रुपये का फ़ैन है। तो अब आपको इसको रन अप करके पूरा प्रोजेक्ट में आपको एक फाइनल इसका व्यू देता हूँ। इस वक्त फ्रेंड्स जो है तकरीबन 5 पंखे, 5 के 5 ऑन है मीडियम स्पीड पे। तो तकरीबन ये 15.5 एम्पेयर का मैक्सिमम इनका लोड है जो इस वक्त इनका रनिंग है। ये सोलर से आ रहा है, और अगर हम लोड इनका कैलकुलेट करें जो इस वक्त रनिंग है वो तकरीबन 24.3 है। सोलर से इस वक्त जो रिसीव हो रहा है वो 15.8 एम्पेयर हैं, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 3 बजे का टाइम है। तो जो है सूरज डिक्लाइन पोजीशन पर है, ये आप देख सकते हैं 2:54 हो रहे हैं। तो इस वजह से इस वक्त जो जनरेशन है वो 15.8 है, जो लोड है वो 24.2 है। तो ये नॉर्मल सेटअप है, आप देख लें पूरा इसका व्यू है। तो ये नॉर्मल घर के लिए ये सफिशिएंट है। नॉर्मली 4 पंखे इनके चलेंगे, 3 से 4 पंखे, जिसमें ये फोनेक्स की बैटरी एडिड है। मैं आपको पंखे भी दिखा देता हूँ इसके। ये देखिए यहाँ पे 2 पंखे इस कमरे के अंदर रनिंग है, दोनों खुर्शीद के AC/DC फैंस हैं। ये बरामदे का पंखा है जो कि यहाँ पे रनिंग है, दिस इज़ अ 5th वन। ये इनका 3rd फैन था, दूसरे कमरे के अंदर है। ये इनका जो है 3rd रूम का पंखा है। तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए सेटअप है। इस पूरे सेटअप को जो है हमने पट्टी फिटिंग में किया है, क्योंकि पहले से मौजूद घर के अंदर ये 2000 का बना हुआ घर है, तकरीबन 20 साल पुराना घर है ये। और इसमें इसके अलावा ऑप्शन नहीं था हमारे पास कोई काम करने का। तो हमने आप जो नई पट्टी देख रहे हैं वाइट कलर की, इसको पुरानी पट्टी के साथ एडजस्ट करके हमने पट्टी फिटिंग में सारा जो है काम इसका किया है। बरामदे का फाइनल व्यू है, आप देखें इसमें जो छोटा बोर्ड आप अलग से देख रहे हैं ये DC है, और DC पंखे की ये सारी वायरिंग जो है वो अलग से नई पट्टी में इसी में हमने एडजस्ट कर दी है। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट के हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या प्रोजेक्ट्स करवाना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट बेसिकली हम अपने एरिया में करते हैं जिस एरिया में हम खुद मौजूद होते हैं। कराची वगैरह में ऐसी सर्विसेज देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे कामों में टाइम ज़्यादा लगता है। तो रनिंग घर के अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इसलिए हमने यहाँ से फैमिली को मूव करवाया है ताकि हम इसको कंप्लीट जो है वो एक प्रॉपर वे में कर सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपके ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।